मारधाड़ और एक्शन से भरपूर ये कोई फिल्म नहीं। हाथों में लिए डंडे ये न कोई आदतन अपराधी हैं और न ही कोई बदमाश। ये हैं इंदौर नगर निगम के कर्मचारी जो मामूली विवाद के बाद गुंडे बन गए और गुंडई पर उतर आए। ये तस्वीरें इंदौर की हैं जहां कुछ युवक और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शुरुआत गाली गलौट से हुई लेकिन देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि निगम के कर्मचारी मारपीट तक पर उतर आए और कानून हाथ में ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो युवकों को तीन चार निगम कर्मचारी मिलकर डंडों से पीट रहे हैं। वहीं एक दूसरे युवक को देखिए कैसे मुक्के पर मुक्के बरसा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये कोई बॉक्सिंग कर रहा हो और जीत के लिए मुक्के बरसा रहा हो। पिटाई के बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं दोनों युवकों को MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल सड़क पर बोतल फेंक देने के चलते गुस्साए कर्मचारियों ने इन युवकों से पहले बदतमीजी की और फिर मारपीट पर उतर आए। बिल्कुल सही कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उज्जैन में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि थोड़ा सावधान होते तो घटना टल सकती थी। अब सीधे हादसे की तस्वीर पर आते हैं। तस्वीरें उज्जैन के भैरवगढ़ थाना इलाके में नागदा की हैं, जहां बाइक से जा रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। भैरवगढ़ थाना इलाके में नागदा से उज्जैन आ रही बाइक सवार दंपत्ति की पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ते वक्त ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक पर पीछे बैठी महिला को चोट आई है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में दुर्घटना कैद हुई। इसमें दिखाई दे रहा है कि ट्रक के अचानक मुड़ने की वजह से ये दुर्घटना हुई। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है, लेकिन इन दिनों सीहोर के पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो से रिश्वतखोरी की बू आ रही है। हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। चलिए अब आपको सीधा वीडियो ही दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में खाकी वर्दी पहने कुछ पुलिस कर्मचारी हैं। टेबल पर पुलिस कैप रखी है जिसमें एक व्यक्ति कुछ रुपए रख देता है। बाद में एक महिला पुलिसकर्मी उन रुपयों को उठाकर रखती नजर आ रही है। हालांकि शोरगुल ज्यादा होने की वजह से उनके बीच हो रही बातें स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही और इस वायरल वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि SP मयंक अवस्थी इस वायरल वीडियो की जाँच करवा रहे हैं। अगर ये वीडियो सच हुआ तो पुलिस की वर्दी जरूर दागदार होगी। न्यूज 18 वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। बालाघाट के लांजी रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर के द्वारा कार से जा रहे पोलिंग पार्टी को जोरदार टक्कर मारे जाने का मामला सामने आया। इस हादसे में कार सवार दो पोलिंग अधिकारी घायल हो गए जिन्हें इलाज हेतु लांजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये पोलिंग पार्टी हाल ही में लांजी के ग्राम डोरली में सरपंच की मौत के बाद रिक्त पड़े सरपंच पद पर उप निर्वाचन कराने के लिए लांजी आ रही थी, जहां 13 जून को सरपंच पद के लिए निर्वाचन संपन्न होना था। तभी इटोरा में अप्रोच सड़क से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर दे मारी जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस घटना में घायल P1 और P2 अधिकारियों महेश पटले और महेश लिलहारे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिली, जबकि कार में सवार अन्य दो लोगों को चोट नहीं आई है। परिवहन विभाग के मुताबिक देश में हर रोज सड़क हादसों में 415 लोगों की जान चली जाती है। कोई खराब सड़क की वजह से हादसे का शिकार हो जाता है तो कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से।
हादसे के ऐसे कई कारण होते हैं। रायगढ़ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ललुंगा इलाके में हुए इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। रफ्तार के कहर से आए दिन कई हादसे होते रहते हैं। कोंडा गांव में भी एक हादसा हुआ। यहां खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। टक्कर के बाद ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर केबिन में घंटों फंसा रहा। इसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों कार्रवाई के बाद शव को बाहर निकाला गया। यह हादसा NH 30 पर बरसगांव स्टेडियम के पास हुआ। नेता जब तक आम आदमी होते हैं लोगों की बातों को आम बनकर सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आम से खास बनते हैं उनकी बातें और हरकतें खास हो जाती हैं। यह खास उस तरह की खास नहीं जिसमें कुछ खासियत हो, बल्कि ये खास उस खास की तरह जिसमें गुरूर हो, अहंकार हो और तानाशाही वाली हरकत हो। अब ये सब आपको हम क्यों बता रहे हैं वो इस खबर को जानते ही समझ आ जाएगा। खबर जगदलपुर से, जहां महिला सरपंच के तानाशाही रवैये से परेशान होकर पंचों ने मोर्चा खोल दिया। शहर से लगे माड़पाल पंचायत का ये पूरा मामला है। पंचों का आरोप है कि पंचायत में होने वाले किसी भी काम की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को काम देने के बजाय खुलेआम JCB से तालाब की खुदाई करवाई जा रही है। अब पंचों ने महिला सरपंच को हटाने की मांग की है। भीषण गर्मी में पानी की समस्या के नजारे तो आम हैं, लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो नजारा आम नहीं है। दरअसल 15 साल की बालिका पानी के लिए करीब 60 फीट गहरे कुएं में उतरी है, उसका वीडियो सामने आया। हालांकि इस वीडियो पर राजनीति भी शुरू हो गई है। खबर पंधाना विधानसभा के भिलखेड़ी गांव की है, जहां 60 फीट गहरा कुआं है और उसमें भी बेहद कम पानी। फिर भी यहां पानी लेने के लिए 15 साल की एक बच्ची अंदर उतर गई। यहां एक झीर से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, जिसके इकट्ठा होने पर ये पानी एक बर्तन में भर रही है और इस नजारे को कुछ लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस बच्ची सहित गाँव के लोग कह रहे हैं कि पानी के लिए उनका ये रोज का संघर्ष है। एक बुजुर्ग तो यहाँ तक कह रही है कि पानी नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो। ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। कोई डिजिटल ठगी कर रहा है तो कोई सामने से ठगी कर रहा है। एक ऐसा ही मामला सीहोर के भैरुंदा से है, जहाँ ठगी के एक मामले ने एप्पल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के होश फाख्ता कर दिए। कुरियर कंपनी के 3 कर्मचारियों ने शातिर तरीके से GPS वॉच के 20 पार्सलों को बदलकर कंपनी को बच्चों की वॉच रिटर्न करवा दी। लाखों रुपए की वॉच की जगह रिटर्न में आई बच्चों की वॉच को देखकर एप्पल कंपनी कुरियर कंपनी को शिकायत करती है। कुरियर कंपनी ने जब भैरुंदा की लॉजिस्टिक कंपनी में जांच की तो असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट का पार्सल दिए जाने की जानकारी लगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब CCTV फुटेज चेक किए तब सारा राज खुला। पुलिस को अब 3 आरोपियों की तलाश है। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ, इस बार तो इंतहा ही हो गई। आंखों को इंतजार है उनके आने का, इंतजार है बारिश में भीग जाने का, इंतजार है उस मौसम का जो झूम झूम कर आता है। हम बात कर रहे हैं मानसून की, जिसका इंतजार हर किसी को है। किसान खेती के लिए मानसून का इंतजार कर रहा है, प्यासे पानी के लिए। अगर ये कुछ दिन और नहीं आया तो फिर पानी का लेवल कहाँ जाएगा, सोच ही सकते हैं। अब मानसून से जुड़ी एक जानकारी जो आपके इंतजार को खत्म करने वाली है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मानसून दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। 15-16 जून से प्री मानसून शुरू होने का अनुमान है, तो वहीं 1-2 दिन में प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
अनुमान ये भी है कि बस्तर में मानसून की बारिश 13 जून से शुरू होने वाली है, तो वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में 17 से 18 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में जहां लोगों को मानसून का इंतजार है, तो वहीं प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे के अंदर हीट वेव का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर में अलर्ट जारी किया गया, जहां भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान लू जैसे हालात बनेंगे। मौसम विभाग ने लोगों को बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवाएं, दोनों का मिलन और मिलन के दौरान बनने वाला बवंडर, ये आंधी नहीं बल्कि चक्रवात है। अंग्रेजी में कहें तो साइक्लोन है और इस साइक्लोन को बिपरजॉय साइक्लोन नाम दिया गया है। दरअसल बिपरजॉय साइक्लोन के आने की आहट थी और यह आहट अब गुजरात की तरफ है। गुजरात के पोरबंदर से 360 किलोमीटर दूर ये तूफान पहुंच गया है, जो द्वारका से 400 और नलिया से 490 किलोमीटर दूर है। वहीं साइक्लोन का असर मांगरोल के समुद्र किनारे उफान मार रहा है, जिसके बाद समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया, लोगों को सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दी गई है। आने वाले समय में इस साइक्लोन का असर पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए काम करता है, लेकिन कभी कभी होनी और अनहोनी की वजह से उनके काम पर आफत आ जाती है। अब इस आधा खाक हुए दुकान की स्थिति देख लीजिए। दरअसल मनेंद्रगढ़ के सिरौली ग्राम पंचायत में एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, तो आग की लपटें ऐसी उठी कि जलकर सब खाक हो गया। आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग पहुंची भी, लेकिन देर हो चुकी थी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ खत्म हो गया। आग की घटना की एक और तस्वीर जशपुर से आई है। यहाँ कुनकुरी तपकरा के बीच जंगल में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। आशंका है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। जहां पर्यावरण को बचाने के लिए जंगल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चल रही है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर पर्यावरण को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। हालांकि आग लगते ही वन विभाग का अमला आग बुझाने में जुट गया। जी हाँ, आसमान से देखिए सड़क को या जमीन पर उतर कर, लेकिन सिस्टम में रहने वाले अफसर, इलाके के रहने वाले नेता, देख ही लीजिए कि आखिर क्या है सड़क का हाल, कैसे है ये सड़क बीमार। ये धूल भांगती सड़कें, ये भ्रष्टाचार की गिट्टी, ये तस्वीरें बता रही हैं इस हाईवे की कहानी। मतलब एक ऐसा हाईवे जो हाईवे भी कहे कि हाय रे मेरी किस्मत। 7 साल गुजर गए, लेकिन हम वहीं हैं जहाँ पहले थे। तब भी गाड़ियाँ धक्का खाकर चलती थी, आज भी गाड़ियाँ धक्का खाकर चलती हैं। हम बात कर रहे हैं जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 की, जिसमें 63 किलोमीटर की एक सड़क का निर्माण कार्य 2015 में 600 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था। 18 महीने में से पूरा हो जाना था, लेकिन यह आज तक पूरा नहीं हुआ। इस गड्ढे वाली सड़क पर चलकर गाड़ियों की भी हड्डियां टूट रही हैं। यहां से गुजरने वाले ट्रक चालकों की बात सुन लीजिए। इस हाईवे की धीमी गति और भ्रष्टाचार वाली इस सड़क के लिए 22 नवंबर को मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीच सभा में सभी लोगों से माफी मांगते हुए सड़क निर्माण कंपनी GDCL का ठेका निरस्त कर नए टेंडर जारी करने और मार्ग को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि कुलस्ते साहब इस हाईवे के लिए बार बार बात करते हैं और इधर कुलस्ते साहब को तो कोई जानकारी ही नहीं है। ये क्या, मंडला सांसद तो टेंडर से अनजान है। हालांकि बरसात से पहले व्यवस्था करने की बात तो कही है। अब ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री गडकरी अधिकारियों को निर्देश देते हैं, मंडला सांसद गडकरी साहब से हाईवे के लिए बात करते हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही का? क्या दफ्तर में बैठे अफसर अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं या फिर ठेकेदार और कंपनी लापरवाही बरत रही है? इस हाईवे के गड्ढे से बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। नक्सली लगातार पुलिस के ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो आए दिन किसी न किसी तरह के कायराना हरकत को अंजाम देते ही हैं। नारायणपुर में नक्सलियों की नापाक हरकत सामने आई, यानी ग्राम महिमा गवाड़ी के गायता पारा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाए